हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज शुभ का शुभ गेम प्लान। वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं GTA 5 की सीरीज़। सो आपको जैसे पता है पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, कि जिसने नहीं देखा उनको मैं बताता हूँ, और जिन्होंने देखा है यार बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पिछले वाले एपिसोड में ये हुआ था कि हमने जो है प्राइम मिनिस्टर की जो है कार चुराई थी, और उसके बाद जो है हम वहाँ से निकल गए थे, और ये कार जो है वो माइकल ने चुराई थी, और उसके बाद जो है वो कार माइकल ने जो है फ्रैंकलिन को दी थी और उसके गैरेज में रखने के लिए। और जब कार चोरी करने के लिए माइकल गया था, तो उसने मास्क वगैरह कुछ नहीं पहना था। ओके, सो उसे पहले ही देख लिया था कॉप्स ने वगैरह, सब लोगों ने वहाँ पर, जितने भी आर्मी वगैरह के जो बंदे थे उन्होंने। सो इसलिए इसने समझदारी दिखा के जो है गाड़ी फ्रैंकलिन के यहाँ पर दी, लेकिन इसे पता नहीं था कि उस गाड़ी में जो है ट्रैकर है। सो अभी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई कि पुलिस वाले और स्वैट वाले जो है फ्रैंकलिन के घर के यहाँ पर पूरा का पूरा एक उन्होंने जो है रेड लगाई है। बहुत सारे पुलिस वाले, हमें फ्रैंकलिन का कॉल आया था। सो अभी हम वही देखने के लिए जाने वाले हैं सबसे पहले तो। सो अभी हम जो है पहले ऐसे तो हम जा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। सो हम क्या करेंगे, पहले एक मास्क की दुकान में जाएंगे, एंड वहाँ पर जो है एक मास्क लेंगे, पहनेंगे, और उसके बाद जो है हम जाएंगे फ्रैंकलिन के घर के यहाँ। और ये रही हमारी गाड़ियाँ। सो अभी हम KTM, अरे भैया KTM पे बैठना है हमने, 21 में बैठ गया। ओके चलो भाई साहब, पहन लो हेलमेट, पहन लो, अपनी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है। सो सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ पर मिलता है ये मास्क। ओके, वो लगभग इसी जगह पर मिलता है। सो अभी मैं वही बता रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है, शायद से वो लोग जो है फ्रैंकलिन को लेके जा भी सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं। पहले तो हम देख के आते हैं कि क्या इतना कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मास्क लेने। सो अभी मैं सीधा वहाँ पर ही मिलता हूँ आपको मास्क लेने के बाद। ओके गाइस, हम जो है लगभग वहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं, और ये रही हमारी ये दुकान। अरे क्या प्रॉब्लम क्या आपको, फटका खाना तुम लोग को। ओके सो अभी हम यहाँ से जो है मास्क ले लेते हैं। ओके सो गाइस, हमने जो है मास्क के साथ साथ कपड़े भी ले लिए, क्योंकि हम लोग ने उसी कपड़े से जो है कार भी स्टील की थी। सो अभी हम जो बैठ जाते गाड़ी पे और मार्क कर लेते हैं फ्रैंकलिन के घर की लोकेशन। तो भैया चलो यहाँ से, यार अगर उसे पकड़ लिया ना तो मुझे बस एक ही बात का टेंशन है कि मैं भी फंस जाऊँगा, और अगर दोनों भी अगर चले गए जेल में तो यार बहुत ज़्यादा बड़ी यार पूरा वाट लग जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है माइकल ने बहुत सी गाड़ियाँ चुराई है। सो इस वजह से जो है पूरी वाट लग जाएगी, और जितना भी गाड़ियाँ वगैरह चुरी है वो सब हाथ से चली जाएंगी यार माइकल के। सो अभी देखते हैं यार कैसे क्या होता है, अगर दोनों को भी पकड़ लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ट्रेवर को बता देंगे, लेकिन देखते हैं किसी को भी पकड़ा ना जाए, इसे ही हम उम्मीद करते हैं। सो अभी हम आपको जो है सीधा वहाँ पर जाके ही मिलते हैं। ओके गाइस, हम जो है माइकल के घर के यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं लगभग, और ये देखो यार यहाँ से जो है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये गाड़ी है पुलिस की, और दो पुलिस वाले भी है, और यहाँ पर बाइक पे भी दो पुलिस वाले हैं, और यहाँ पर स्वाट की गाड़ी पे, और यहाँ देखो यहाँ पर भी यार पुलिस वाले हैं, और यहाँ पर कुछ बातें भी चल रही हैं इन लोगों के बीच। और ये देखो यार फ्रैंकलिन के घर के सामने चार पुलिस की गाड़ी, और इतने सारे पुलिस और दरवाजे पर भी है। फ्रैंकलिन पता नहीं यार घर से बाहर निकल नहीं रहा है, उसे यही करना चाहिए। सो अभी जो है हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, यहाँ पर देखो बहुत सारी हर एक जगह पर यार पुलिस खड़ी है। सो अभी हम जो है हमारे ऊपर डाउट ना, इसलिए हम जो है यहाँ से निकल जाते हैं, एंड अभी आगे का देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में प्लान है, मैं जो है फ्रैंकलिन को बोल देता हूँ कि यार तू सरेंडर कर दे, एंड देन जो हम उसे जो है प्रिजन से जो है उठा लेंगे पुलिस वालों को वगैरह मार के, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेवर जो हमारा बंदा है वो भी अभी यहाँ पर नहीं है, उसे आने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी। सो तब तक जो है वो लोग वैसे भी फ्रैंकलिन को पकड़ लेंगे। सो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ और फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ, और उसे बता देता हूँ कि भाई तू जो सरेंडर कर दे, बाद में हम जो है पूरी तरीके से तुझे छुड़ा लेंगे यार प्रिजन में आके किसी न किसी तरीके से। सो अभी मैं उसे कॉल करता हूँ, और वो थोड़ा डरा भी रहेगा यार, फिर भी हम उसे बता देंगे, और उसे कहेंगे कि यार किसी के बारे में कुछ मत कहे, मतलब कि किसने गाड़ी चुराई उसके बारे में, मतलब मेरे बारे में वगैरह कुछ भी ना कहे, वरना तो यार बहुत ज़्यादा वांदे लग जाएंगे। तो मैं पहले तो उसे कॉल कर देता हूँ, एंड देखते।
ओके सो गाइज, मैंने फ्रैंकलिन को कॉल किया था. सो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं जितना भी बताया मैंने, वो उसने मान तो लिया है, लेकिन वो फिर भी डरा हुआ है. अभी पता नहीं वो क्या करेगा. मुझे ऐसा लग तो रहा था कि वो सरेंडर नहीं करना चाहता है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं. अगर सरेंडर किया तो बहुत अच्छा होगा, फिर बाद में हमें बचाने का मौका भी मिलेगा. अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो शायद मर भी जा सकता है. सो अभी हमें पता नहीं है कुछ. सो अभी जो है हम घर जाते हैं, क्योंकि हमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. सो यार, हमारे घर के बाहर जो है बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी है और हमें अरेस्ट करने हैं. और माइकल ने मुझे कॉल किया था और उसने बता दिया है कि मुझे कि तू सरेंडर हो जा. लेकिन यार मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ, क्या पता वो मुझे वहाँ पर जाके जो है मार दे वगैरह. सो या फिर वो वहाँ पर मुझे जेल तक लेके भी ना जाए और उससे पहले ही मुझे मार दे. सो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. लेकिन पता नहीं, मेरी आंटी भी यहाँ पर है और वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है. आज वो योगा वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जैसे दिख रहे हैं. और अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हमारा पीछे का जो गेट है घर का, वो भी बंद है, वो भी खुल नहीं रहा. कितनी भी लात मारो कुछ नहीं हो रहा. ओके, और यहाँ से हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है. यहाँ से भी कुछ नहीं है, हमें सामने से निकलना होगा अगर निकलना है तो. सो यार बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है हमें. शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सरेंडर ही करना पड़ेगा. लेकिन ओके गाइस, मैं वहाँ से जो है भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है वो लोग मेरे पीछे आ गए. सो मैं अभी यही रुकता हूँ, वरना जो वो लोग जो है मुझे गोली मार देंगे. सो मैं अभी जो है मैं यही रुकता हूँ, कुछ भी नहीं हिलूँगा वगैरह, कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा खड़ा रहूँगा, बाकी कुछ नहीं. ओके, बस मैं बस सरेंडर करना है. ओके गाइस, हम जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं. अभी हमारे पुलिस वाले भैया हमें जो है प्रिजन में लेके जाएंगे. सो चलते हैं यार इनके साथ, थोड़ा प्रिजन वगैरह घूमेंगे. बस मुझे एक ही बार का थोड़ा सा डर है, वो है कि वो वहाँ पे जाके बस हमें मार ना डाले, बस इसी बात का डर है, बाकी कुछ नहीं. बाकी तो हम बस चिल है, माइकल ने जैसा बोल रहा है हम वैसा कर रहे हैं. बाकी हम माइकल के भरोसे ही है, बस माइकल हमें बचाने आ जाए, बस इसी बात का हमें बस डर है कि वो नहीं आएगा तो यार बहुत ज़्यादा हमें बुरा लगेगा, क्या पता हमारे साथ क्या ही होगा. और हम तो वैसे माइकल का नाम लेने नहीं वाले हैं, क्योंकि हमने तो चोरी की नहीं, हमने बस गाड़ी रखने का काम किया है और हमें पता नहीं था कि उसके अंदर जो है ट्रैकर है. सो अभी जाने दो, अभी हम क्या ही कर सकते हैं. बाकी गाइज, मैंने कल वीडियो डाली थी वॉइस ऑफ टू के रिलेटेड. सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है यार, तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. अगर आपने वॉइस ऑफ टू नहीं खेला है तो यार बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, वो गेम फ्री में मिल जाएगी पूरी तरीके से. और एक बंदे ने मुझे पूछा था कौन सा एडिशन मिलने वाला है, तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड एडिशन ही मिलेगा, क्योंकि गोल्ड एडिशन या फिर डीलक्स एडिशन तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. लेकिन स्टैंडर्ड एडिशन भी बहुत अच्छा ही रहता है, बस गोल्ड और डीलक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा रहती है, कुछ मिशन ज़्यादा रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं. और कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलती है. बट आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो यार जाके देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वो गेम फ्री में चाहिए तो. ओके, आज रात को 11:30 से 12:30 के बीच आप लाइव रहना, आपको गेम फ्री में मिल जाएंगे. तो अभी जो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ और आपको सीधा मैं जो है वहाँ पर ही मिलूँगा. ओके गाइस, हम जो है लगभग अभी पहुँचने वाले हैं. सो अभी देखते हैं यार अंदर जाके क्या होने वाला है. यार बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो रहा है अभी मुझे, क्योंकि यार बस हमको मार वगैरह ना दे, इसी बात का मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन है, बाकी कुछ नहीं. अभी हम लगभग पहुँच ही गए, अभी अब गेट भी खुल गया है और यहाँ पर बाहर दो सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, पुलिस है मतलब वो. और यहाँ पर दूसरा गेट भी खुल गया, बहुत ज़्यादा खतरनाक सिक्योरिटी है यार. अगर हमें यहाँ से बाहर पड़ना निकलना होगा तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है हमको. एंड हम लगभग जो जेल के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, शायद से अभी यस हम जो है उतर चुके हैं. अभी हम जो है अंदर चले जाएंगे. चलो देखते हैं अभी कैसा रहता है अंदर का माहौल वगैरह पूरा, हम अभी पहले देखेंगे और बाद में जो है आगे आगे का क्या है वो सब कुछ हम जो है सोचेंगे. ओके गाइस, फाइनली जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने देखो यहाँ पर प्रिजन के कपड़े भी पहने हैं. ओके, सो अभी यहाँ पर देखो हमारी सारी गन वगैरह भी इन लोगों ने छीन लिए. ओके, यहाँ पर बेंच वगैरह बैठने के लिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम सब पूरा देख लेते हैं. यहाँ पर देखो कितने सारे मुजरिम हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह सब कुछ है यार. ये देखो यहाँ पर सुट्टा पी रहा है अभी, इसके पास हेडफोन कहाँ से आ गया भाई, और ये क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहा है.
यार, ये क्या गुंडा बनेंगे यार, इतना डर गए हमसे। ओके गाइस, मैं आपको, ओह यहाँ पर भी एक पुलिस वाला है, मैंने देखा ही नहीं। इसको अगर मार दूंगा ना तो यार इतने सारे पुलिस वाले लगेंगे ना मेरे पीछे यार, पूछो मत। हर जगह पर पुलिस वाले हैं और मुजरिम भी है। अरे यार ठुक गया। बाकी गाइस मुझे एक बात बताओ, ये ग्राफिक्स आपको कैसे लग रहे हैं? मुझे तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसके अंदर। मैं और भी थोड़ा बहुत चेंज करने की सोच रहा हूँ, बाकी अभी देखते हैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर हो जाएगा अगले वीडियो तक चेंज। बाकी ये भी अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है ये वाला ग्राफिक्स। और मैं आपको ये पूछ रहा था कि क्या मैं मॉड के ऊपर वीडियो बनाऊं, कि GTA 5 के अंदर कैसे मॉड वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं उसके उसके रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोगों को इंस्टॉल करना रहता है उनकी गेम में GTA 5 में, लेकिन उनको वीडियोस वगैरह मिलती नहीं रहता और जो मिलते हैं वहाँ पर प्रॉपर गाइड नहीं रहता। सो मैं सोच रहा हूँ बनाने के बारे में। बाकी आप कमेंट करके बताइए दो कि लाना चाहिए कि ना लाना चाहिए। मतलब मैं कैसे लाने वाला हूँ कि अगर लाना होगा तो 2 दिन में आपको वीडियोस डालूंगा यहाँ पर GTA 5 की गेम प्ले से रिलेटेड, और उसके अगले दिन में मैं डालूंगा कि कैसे आपको मॉड इंस्टॉल करना है GTA 5 में, बहुत सारे मॉड्स है। सो आपको भी मज़ा आएगा, अगर आपको इंस्टॉल वगैरह करना है तो आपको भी थोड़ी आसानी होगी। सो यार वही सोच रहा हूँ अभी, आप बता दो कमेंट में, फिर आपको गेम प्लेस भी मिलेंगे और मॉड के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आपको मॉड भी मिलेंगे फ्री में, कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है वो सब। सो अभी मैं यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए, ओह नाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़े दिन के लिए मैं रुक जाऊँगा, 1-2 दिन के लिए, एंड उसके बाद जो यहाँ पर जो जितनी भी सारी जगह है वगैरह वो सब मैं देख लूँगा, और उसके बाद जो है फिर आगे की जो है हम कंटिन्यू करेंगे जितना भी है हमारा प्लान वगैरह। ओके सो गाइस, बाकी बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी यार, इसको देखो नींद आई है। बाकी बताओ यार आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और यार इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बाकी आपका भाई आपके लिए वीडियो लाता ही रहेगा अभी GTA 5 से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए पीस आउट।